तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग। अब यहां पर एक इक्वेशन है, यहां पर एक इक्वेशन है, यहां पर एक इक्वेशन है और यहां पर इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हमको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, उसके बाद फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। उसके बाद क्या करना है, पेरीमीटर और एरिया को निकालना है। अब यहां पर देखो ये ए और बी है, तो जितना डिस्टेंस ए बी है उतना ही डिस्टेंस बी सी है, मतलब ये जो इक्वेशन इज इक्वल टू इस इक्वेशन हो जाएगा और 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद पेरीमीटर और एरिया को फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर दोनों लिख लेता हूं। सबसे पहले तो यहां पर 2x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये दूसरा इक्वेशन भी है, वो भी लिख लेता हूं, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। हाँ, अब बच्चों यहां पर आप देखो ये 2x और 4x है, तो मैं क्या करता हूं, 2x माइनस 4x यहां पर ले लेता हूं। उसके बाद यहां पर y है, यहां पर माइनस y है, तो प्लस y प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। अब ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर क्या है, तो यहां पर x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ये बोली जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर माइनस 2y है, यहां पर प्लस y है, तो दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे तो y तो वैसे ही कैंसिल होना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये इक्वेशन लिख देते हैं माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है, ये कट हो गया। अब यहां पर क्या आएगा, माइनस x, और ये कितना आएगा, माइनस 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, तो x की वैल्यू आ गई है 12, ठीक है, x की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है तो वो कहां पर पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो 12 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, तो ये इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 12, तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो गई है, हाँ गड़बड़ी हो गई है, तो यहां पर माइनस होना चाहिए, तो ये कितना आएगा, ये प्लस 12 है, यहां पर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल होता है, y इज इक्वल टू 16 बाय 2, यानी कितना होता है बेटा, तो y की वैल्यू आ गई 8। अब हमको बच्चों x की भी वैल्यू मिल गई है, y की भी वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इन दोनों में से कहीं पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, 4 इंटू 12 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा, 12 चौक 8, 48 माइनस 8 कितना आ रहा है, 40। अच्छा ये क्यों किया हमने, ये भी बताते हैं। तो यहां पर आपका जो ये बॉक्स था, ठीक है, यहां पर कहीं ये कितना था, 4x माइनस y, तो यहां पर ये जो 4x माइनस y में x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, यहां पर लेंथ मिल जाएगा 40। उसी तरह से इस साइड में क्या था, तो इस साइड में था 2y, ठीक है। तो मैं यहां पर अगर y की वैल्यू पुट कर देता हूं 2 इंटू वाई, तो ये मिल जाएगा 16, ठीक है। तो हमारा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है कैसा है, तो वो है 40 बाय 16 का। अब हमको क्या करना है, तो पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, तो पेरीमीटर को मैं p से दर्शा रहा हूं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, ठीक है। तो 2 इंटू 40 प्लस 16 कितना आ रहा है, 2 इंटू 56, तो कितना आएगा बेटा, 2 5 10 और ये 11, 112 आ रहा है, पेरीमीटर आ गया 112, ठीक है। सेंटीमीटर है क्या, पता नहीं, यानी तो यहां पर यूनिट लिख लेंगे, ठीक है, है नहीं यूनिट कोई दिया है इसलिए यूनिट लिख लिया, नहीं लिखा तो भी चलता है। अब एरिया क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेड आता है, यानी 40 इंटू 16 आता है, 100 चौक 64, यानी 640 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, क्या आएगा, यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।